हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 9 और अध्याय का नाम है जैव अणु। फ्रेंड्स, यह इस चैप्टर का 12वां वीडियो है, यानी 11 वीडियो मैंने पहले ही बना दिए हैं। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ऊपर यहाँ पे आई बटन पे उन सभी का लिंक मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। वहां से जा करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं ताकि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। साथ ही मैंने 8 चैप्टर यानी लेसन 1 से लेसन 8 तक भी कम्प्लीट कर दिया है। उसको भी अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जा करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, अब बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है एंजाइम का नामकरण व वर्गीकरण, यानी इसमें हम लोग जानेंगे कि एंजाइम का नामकरण कैसे किया जाता है और वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हजारों एंजाइमों की खोज, विलगन या अध्ययन किया जा चुका है। अब यहाँ देखिए, खोज मतलब समझते हैं, नया एंजाइम खोजे जा चुके हैं। विलगन मतलब अलग करना, यानी कुछ एंजाइमों को अलग किया जा चुका है वो उनका अध्ययन किया जा चुका है। यानी अब हजारों एंजाइम हैं जिनकी खोज भी हो चुकी है, उनको अलग अलग करके उनका अध्ययन भी किया जा सका है, और एंजाइम को मतलब कई पार्टों में उनको तोड़ा जा चुका है। एंजाइम द्वारा विभिन्न अभिक्रिया के उत्प्रेरण के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। अब एंजाइम है वो किस तरह से अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, इस आधार पर इनको कितने भागों में बांटते हैं, अलग अलग समूहों में बांटते हैं। जैसे एंजाइम को 6 वर्गों व प्रत्येक वर्ग को 4 से 13 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। यानी सबसे पहले एंजाइम को कितने भागों में बांटे हैं, 6 भागों में। तो एंजाइम कितने वर्गों में बांट दिया गया, 6 भाग, और इन 6 में से प्रत्येक को 4 से लेकर 13 उपवर्गों में बांटा गया है, जिनका नामकरण 4 अंकीय संख्या पर आधारित है। और नामकरण किस पर आधारित है, तो 4 अंकीय संख्या पर आधारित है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले वर्ग की हम लोग बात करते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेजेज, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं डिहाइड्रोजिनेजेज। एंजाइम जो दो क्रियाधारकों एस व एस वन के बीच ऑक्सी उपचयन को उत्प्रेरित करते हैं। देखिए, ऑक्सी उपचयन मतलब इसे हम लोग कहते हैं रिडॉक्स, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं अपोपचयन, ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे जानते हैं हम लोग, आते हैं अपने जो टॉपिक पे। जैसे देखिए, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, एक उपचयित होता है तो दूसरा ऑक्सीकृत होता है। यानी कहने का मतलब है, एक में से ऑक्सीजन जुड़ता है तो दूसरे में से ऑक्सीजन निकलता है, या फिर एक में हाइड्रोजन जुड़ता है तो दूसरे में से हाइड्रोजन निकलता है। तो देखिए, अगर यहाँ पे एस है यानी सबस्ट्रेट है, या जिसे आप लोग क्रियाधार कहते हैं, तो पहला क्रियाधार है, अगर ये उपचयित हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, एस उपचयित हो रहा था और एस वन क्या हो रहा था, ऑक्सीकृत हो रहा था। अब देखिए ये क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अब एक्स जो S है वो ऑक्सीकृत होगा और S1 है वो उपचयित हो जाता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है ट्रांसफरेजेस। एंजाइम क्रियाधारकों के एक जोड़े S व S1 के बीच एक समूह के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करते हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन के अतिरिक्त है, यानी जो एंजाइम है और वो यानी जो क्रियाधारक है, जैसे S1 और S1 के बीच में एक समूह का क्या करते हैं, ये स्थानांतरण करते हैं। यानी एक क्रियाधारक के साथ मान लीजिए कोई समूह जुड़ा हुआ है, तो क्या करता है, उस समूह को दूसरे के पास स्थानांतरित कर देता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन को नहीं ट्रांसफर करता है। अगर हाइड्रोजन को ट्रांसफर करेगा तो ये ऊपर वाला हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जुड़ना और घटना तो इस पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, ये देखिए एस के साथ जी जुड़ा हुआ है, यानी ये सब्सट्रेट है, इसके साथ कोई एक ग्रुप है जी। अब क्या होगा, जब इनका रिएक्शन होगा तो ये देखिए, अब ये क्या करेगा, इसको ट्रांसफर कर देगा S1 के पास। तो देखिए, ये जो S था वो G, सॉरी जो G था वो S से जुड़ा हुआ था, तो अब ये अभिक्रिया के बाद क्या हुआ, S से जा करके हट गया और S1 से जा करके जुड़ गया। अगला है हाइड्रोलेजेज। एंजाइम एस्टर, ईथर, पेप्टाइड
ग्लाइकोसाइडिक, कार्बन कार्बन, कार्बन हैलाइड या फास्फोरस नाइट्रोजन बंधों का जल अपघटन करते हैं। अब हम लोग किसको कहेंगे, हाइड्रोलेजेज किसको कहेंगे, जो इन सभी बंधों को, जैसे इथर हो गया, पेप्टाइड हो गया, या ग्लाइकोसाइटिक हो गया, कार्बन से कार्बन हो गया, या कार्बन का हैलाइड बंध हो गया, या फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच बंध हो गया, वो उन बंधों को क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तब हम लोग उसे कहते हैं हाइड्रोलेजेज। दूसरा है लाइजेज, लाइजेज, ठीक है। दूसरा क्या है, लाइजेज। दूसरा नहीं, मतलब अगला है लाइजेज, यानी ये 4 नंबर है लाइजेज। जल अपघटन के अतिरिक्त विधि द्वारा एंजाइम क्रियाधारकों के समूह के अलग होने को उत्प्रेरित करते हैं, जिनके फलस्वरूप द्विबंधों का निर्माण होता है। तो देखिए, यदि जल में हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोलेजेज, और बिना जल का हो रहा है, यहाँ पे देखिए ना, जल के अतिरिक्त, ठीक है, तो बिना जल का हो रहा है तो उसे हम लोग लाइजेजेज कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखिएगा, देखिए ये एक्स, यानी ये दो है कार्बन कार्बन है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और फिर इनसे एक से एक्स जुड़ा हुआ है और दूसरे से वाई जुड़ा हुआ है। लेकिन वो बाद में क्या होगा, रिएक्शन के बाद, देखिए ये सी से इनका बंध टूट जाएगा और एक्स वाई अपना बंध बना लिए। देखिए यहाँ पे एक्स और वाई अपना बंध बना लिए ना, ये एक्स, ये एक्स और वाई अपना बंध बना लिए, और जो सी है वो दोनों जा करके क्या करता है, डुअल बंध बना लेता है, ये सी, और फिर जाके सी के साथ यहाँ पे देखिए डबल बंध बना गया। तो इस तरह से जो एंजाइम होते हैं उनको कहते हैं हम लोग लाइजेज, यानी इस तरह के जितने सारे एंजाइम होंगे उनका नाम क्या होगा, लाइजेज होगा। चलिए आगे जानते हैं हम लोग आइसोमरेजेस। वे सभी एंजाइम जो प्रकाशीय, ज्यामितीय व स्थितीय समावयवों अंतर रूपांतरण को उत्प्रेरित करते हैं। अब जितने प्रकाशीय है, ज्यामितीय है, या फिर स्थितीय समावयवों को रूपांतरित करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं आइसोमरेजेस। अगला जानते हैं लाइजेज, लाइगेजेस। एंजाइम दो यौगिकों के आपस में जुड़ने को उत्प्रेरित करते हैं। जैसे एंजाइम जो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन व फास्फोरस ऑक्सीजन बंधों के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करते हैं, तो ये एंजाइम क्या करते हैं, दो यौगिकों को आपस में जोड़ने को उत्प्रेरित करते हैं, यानी दो यौगिकों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे कार्बन को नाइट्रोजन से जोड़ देंगे, या फिर फास्फोरस को ऑक्सीजन से जोड़ देंगे, या फिर कार्बन को ऑक्सीजन से जोड़ देंगे, मतलब ये जोड़ने का ही काम करते हैं। चलिए अब जानते हैं हम लोग सहकारक के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं कोफैक्टर्स। एंजाइम एक या अनेक बहुपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, फिर भी कुछ स्थितियों में इतर प्रोटीन अवयव, जिसे सहकारक कहते हैं, एंजाइम से बंध कर उसे उत्प्रेरक सक्रिय बनाते हैं। यहाँ पर इतर का मतलब है इसके अलावा, इतर प्रोटीन मतलब प्रोटीन के अलावे। तो देखिए, जो एंजाइम होते हैं वो बहुत सारे पेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बने होते हैं, इसके बावजूद भी प्रोटीन के अलावा अन्य जो कारक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सहकारक कहते हैं, और एंजाइम से बंध कर उसे क्या करते हैं, वो उत्प्रेरक की क्रिया को सक्रिय बनाते हैं। यानी वो नहीं हो तो जो उत्प्रेरक की क्रिया होती है वो नहीं हो सकती है। इन उदाहरणों में एंजाइम के केवल प्रोटीन भाग को एपोप एंजाइम कहते हैं। किस भाग को, केवल प्रोटीन वाले भाग को एपोप एंजाइम कहते हैं। सहकारक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला है वो क्या है, वह है प्रोस्थेटिक समूह, दूसरा है सह एंजाइम, वह तीसरा है धातु आयन। प्रोस्थेटिक समूह कार्बनिक यौगिक होते हैं, और यह अन्य सहकारकों से इस रूप से भिन्न होते हैं कि ये एपोप एंजाइम से दृढ़ता से बंधे होते हैं। अब एपोप एंजाइम क्या होता है, जो प्रोटीन वाले होते हैं आपको मैंने बताया ही, तो ये किस मामले में भिन्न होते हैं, तो ये क्या होते हैं, जो एपोप एंजाइम होते हैं उनसे दृढ़ता से बंधे होते हैं। उदाहरण स्वरूप एंजाइम पर ऑक्सीडेज व केटलेज, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीजन व पानी में विखंडित करते हैं। हीम प्रोस्थेटिक समूह होता है, जो एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ा होता है, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया प्रोस्थेटिक समूह का। अब जानते हैं सह एंजाइम के बारे में। सह एंजाइम भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, और इनका संबंध एपोप एंजाइम से अस्थायी होता है, जो सामान्यतः उत्प्रेरण के दौरान बनता है। तो देखिए, प्रोस्थेटिक समूह क्या थे,
जो दृढ़ता से बंधे होते थे एपो एंजाइम से, लेकिन इनका क्या होता है, ये अस्थायी रूप से जुड़े होते हैं। सह एंजाइम विभिन्न एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं में सहकारक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये सह एंजाइम में क्या करते हैं, तो ये सहकारक के रूप में काम करते हैं। अनेक सह एंजाइम का मुख्य रासायनिक अवयव विटामिन होते हैं, जैसे सह एंजाइम्स निकोटीमेनाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जिसे NAD कहते हैं, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जिसे NADP कहते हैं, या फिर विटामिन नियासिन से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं धातु आयन के बारे में। धातु आयन कई एंजाइम की क्रियाशीलता हेतु धातु आयन की आवश्यकता होती है, जो सक्रिय स्थल पर पार्श्व श्रृंखला से समन्वय बंध बनाते हैं, वह उसी समय एक या एक से अधिक समन्वय बंध द्वारा क्रियाधारकों से जुड़े होते हैं। तो क्या होता है, कई एंजाइम की क्रियाशीलता है तो क्या होता है, धातु आयन आवश्यक होता है और ये उसी समय उनसे जुड़े हुए होते हैं। जैसे प्रोटीओलिक्टिन एंजाइम जो है वो कार्बोक्सी पेप्टिडेज से जिंक एक सहकारक के रूप में जुड़ा होता है। एंजाइम से यदि सहकारक को अलग कर दिया जाए तो इनकी उत्प्रेरक क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि एंजाइम को उत्प्रेरक क्रियाशीलता हेतु ये निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। यानी अगर एंजाइम से सहकारक को अलग कर दिया जाए तो एंजाइम की जो उत्प्रेरक क्रियाशीलता है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये क्या है, यह आवश्यक है कि उससे सहकारक जुड़े, यानी एंजाइम की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए यह मुख्य भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही यह चैप्टर समाप्त होता है। यह पूरा सीरीज आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा और अपनी शिकायत को भी लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।